राजधानी दिल्ली में एक नर्स के साथ हैवानियत सामने आई है। पीड़िता के मुताबिक अश्लील वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया गया और उसके बाद दरिंदे ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ही था। हालांकि पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। मामला नंद नगरी इलाके का है। महिला नर्स का आरोप यह है कि वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उससे 7 लाख रुपए भी लिए गए। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर डॉक्टर नरुल हसन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता डॉक्टर के पास नर्स का काम कर रही थी और पिछले 2 साल से वो अपने पति से अलग रहती है। महिला के मुताबिक अगस्त 2021 में वो देर रात तक अस्पताल में थी, तभी डॉक्टर ने नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, 7 लाख रुपए भी वसूल लिए। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। एक नर्स के साथ दुष्कर्म का ये मामला है और आरोप डॉक्टर पर लगा है। हालांकि डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये सारा मामला ये बताया जा रहा है कि ये नर्स डॉक्टर के पास ही काम करती है और एक दिन देर रात तक वो काम की वजह से रुकी थी। उसी दिन आरोप के मुताबिक डॉक्टर ने उस महिला नर्स को कुछ नशीला पदार्थ खिलाया जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वीडियो बनाई गई और उस वीडियो को वायरल करने के नाम पर बार बार डॉक्टर इस नर्स को धमकाता रहा और यहां तक कि 7 लाख रुपए भी इस नर्स से वसूल लिए। नंद नगरी इलाके का ये पूरा मामला है। पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया है और साथ ही साथ आरोपी डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पहले अश्लील वीडियो बनाया और उस वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल किया। जी मीडिया संवाददाता राकेश चावला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, कब का ये मामला है और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? जी देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि आरोपी को जो है सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पीड़िता है उसके साथ इसने कई बार जो है दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है, ब्लैकमेल करता रहा और इसने सबसे इसने जो है इसने एक पानी शुरू में जो इसको दिया था उसके पानी पीने वाले को बेहोशी की हालत में इसके साथ दुष्कर्म करता रहा। करने के बाद जो है इसको फिर उसके बाद ब्लैकमेल करता रहा। उस वीडियो को दिखाने के बाद इसका कई बार ब्लैकमेल किया, पर सबसे बड़ी बात यह रही कि पीड़िता ने जब पुलिस को इस बारे में जानकारी दी तो पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और इसको जो डॉक्टर्स हैं उसको जो है गिरफ्तार कर लिया है। जी ठीक है राकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।